और की खेलखी 10 करोड़ बोले लेकिन प्रधानमंत्री घोषणा किया तो हम एज प्रपोज करते हैं उसको लागू करेंगे और 25 दिसंबर 22-23 के लोकसभा राज्यसभा में बोलखिन और 25 के जल्दी यूपीएससी में मैथिली बीपीएससी में तो वापसी मैथिली और सीबीएसई में भोगिए धान हेते जाति धर्म पर नहीं हेते मिथिला के सम्मान हेते। अही बात के साथ हम ज्यादा की कहूँ केंद्र सरकार और राज्य सरकार एखन केहन केहन खेला रहल छथि और घोषणा बड़ तगड़ा भ रहल छै मगर आप युवा वाहिनी सबसे निवेदन करब जो 300 दिन दिल्ली में अपना बाल बच्चा ला कमा के ओकरा ला मकान बना ले छी भोजन कर ले छी जना घर वाला घरवाली फोटो नहीं खींची जैसे कि क्लोज हो अगर संभव हो सके तो सब एकत्रित करूं गांधी मैदान मांग रहे हैं करूं एक भारी आंदोलन होना चाहिए कि संसद पर कहना चाहिए मुद्रा राज होना चाहिए यही बात के साथ हम दिलवाने का विराम दे सर पर्चा दीजिए अपना मैं इंजीनियर सुशील कुमार झा राष्ट्रीय प्रवक्ता एवं मीडिया प्रभारी अखिल भारतीय मिथिला राज संघर्ष समिति और अध्यक्ष मिशन मिथिला फाउंडेशन। तो सर आज आप लोग जंतर मंतर से फिर से आए हुए हैं क्या कारण है? ये हम नहीं आए हैं, ये हम नहीं आए हैं, सरकार ने बुलाया है। जैसे मोदी जी कहते हैं बनारस में हम बनारस नहीं आए हैं, गंगा जी ने बुलाया है। तो सरकार ने देश के विकास के लिए देश के लिए हर साल 3 बार संसद तक चलाती है तो हम भी अपना आवाज उस संसद तक पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए साल के जब भी संसद सत्र का पहला दिन होता है हम लोग धरना देते हैं, वो तो संसद सत्र बंद कर दें हम भी आना बंद कर देंगे, हम बिहार में आंदोलन करेंगे। अलग राज्य की मांग यही हमारा एक मेन मुख्य मुद्दा है, अलग राज्य की मांग इसलिए है कि हम सरकार काम नहीं कर रही तभी तो मिथिला राज्य की मांग हो रही है, मिथिला राज्य की मांग हो रही है। आप देख लीजिए हमने जो ज्ञापन दिया है उसमें 3 मुख्य मांगे है, पृथक मिथिला राज्य, पृथक मिथिला राज्य, उसके बाद मैथिली विकास संरक्षण और संबंधन और मिथिला का सर्वांगीण विकास, उसके साथ 35 मांग दिया है हमने राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को और गृह मंत्री जी को, जिसमें मुख्य है बाढ़ की समस्या, जिसमें है बेंच हाईकोर्ट का बेंच, जिसमें है कि मिथिला रेजिमेंट मिलिट्री के अंदर वहाँ स्कूल मिथिला का ट्रेनिंग स्कूल होना चाहिए आर्मी का, इस तरह के मिथिला मैथिली का टीवी होना चाहिए 10 करोड़ बोलने वाले लोगों की, ये बहुत सारी मांगे हैं। आज मैथिली को बीपीएससी से बाहर कर दिया गया है, आप सोच सकते हैं जो वो मैथिली यूपीएससी के अंदर है, जो मैथिली राज्यसभा के अंदर दुर्भसिया है, लोकसभा के अंदर दुर्भसिया है, इसका साहित्य अकादमी है, आज उस मैथिली को बीपीएससी से बाहर कर दिया गया है। आज सुप्रीम कोर्ट को फैसला करती है तो आप उसको उसका कॉपी चाहिए तो आप मैथिली में ले सकते हैं, लेकिन बीपीएससी की परीक्षा मैथिली में नहीं दे सकते, ये क्या है? ये सरकार वो बेनिफिट ये है कि इसी भाषा के नाम पे और दूसरे दूसरे नाम पे ये जातिवाद फैलाती है बिहार के अंदर और इसके अंदर ये वोट की राजनीति करती है, विकास से कोई लेना देना नहीं है। लोग नीतीश कुमार को विकास पुरुष कहते हैं लेकिन मैं कहता हूँ ये बिहार का सबसे बड़ा विनाश पुरुष साबित होगा, इससे बड़ा विनाश पुरुष बिहार के अंदर नहीं है। मैंने ज्ञापन दे दिया राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को, गृह मंत्री जी को ज्ञापन दे दिया, इससे क्या होगा? तो क्या आप चाहते हैं कि मैं जाके वहाँ पुलिस वाले को मारूं? नहीं, मैं ये काम नहीं करूंगा। हम गणतांत्रिक देश में है, अभी 26 तारीख को हमने गणतंत्र दिवस मनाया है। गणतंत्र का मतलब होता है कि गणतांत्रिक तरीके से अपनी आवाज उठाओ, हम गणतांत्रिक तरीके से अपना आवाज उठा रहे हैं, ये गांधी का देश है। कितनी संख्या में मिथिला राज्य मिलेगा? मिलेगा, निश्चित रूप से लेके रहेंगे, इसीलिए हम पद यात्रा कर रहे हैं। देखिए ये संकल्प मिथिला राज्य पद यात्रा है जो 15 मार्च से शुरू होने जा रहा है, परिसीमन यात्रा शिशिर जी कर रहे हैं,
पदयात्रा कर रहे हैं, मिथिला राज लेके रहेंगे, ठीक नहीं, अधिकार चाहिए। नंदन बाबू को भी आप लगाओ, साथ आइए, हाँ साथ पे लगाओ। बिहार सरकार सर बच्चे दीजिए, पॉजिटिव में नितेश आनंद है तो सर क्या कुछ कहना चाहेंगे जिस तरह से मिथिला राज्य को राज्य बनाने को लेकर के कंटिन्यू धरना प्रदर्शन चल रहा है अपना, क्या कुछ कहना चाहेंगे मिथिला राज्य को लेकर जो धरना प्रदर्शन चल रहा है? जैसे हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भाई ने बताया कि हमारे यहाँ जो हमारे क्षेत्र की समस्या है सरकार उसको एड्रेस नहीं कर रही है। बाढ़ की समस्या इन्होंने बताई, रोजगार की समस्या है, जैसे सबको मालूम है आप लोग दिल्ली में रहते हैं, सबसे ज्यादा बेरोजगार लोग जो दिल्ली आते हैं काम करने के लिए वो मिथिला क्षेत्र के, ये अपने आप में इस बात का प्रमाण है कि उस क्षेत्र को बिल्कुल किसी भी तरीके से वहाँ तरक्की हो नहीं रही। आपको पता होगा कि एम्स बनने वाला था दरभंगा में, उसका भी पता पता है, जो यहाँ के रेजिडेंट है मुकदमा करने के लिए पटना जाना पड़ता है, जैसा अगर कोई गलत फैसला हो जाता है इतना कठिन है और पैसा खर्च होता है। आप उत्तर प्रदेश में देखिए लखनऊ बेंच है जो उत्तर प्रदेश में है, लेकिन बिहार में बिल्कुल मिथिला क्षेत्र को ऐसे उपेक्षित बना दिया गया है, यानी सारी सत्ता केंद्रीय बिहार में संकुचित कर दिया गया। जो हमारी भाषा है वो हम लोगों को एक करती है, आप सिर्फ संख्या की बात कर रहे हैं। देखिए जो जन आंदोलन है वो ग्राउंड पे लड़ा जाता है, ये दिल्ली है, दिल्ली में हम अपनी आवाज बुलंद कर रहे हैं। अभी जो यात्रा होगी इसमें शिशिर जी और उनकी सारी टीम जाएंगे, और ये लोगों के भीतर जो आग है वो धधक रही है, और हम नहीं चाहते कि वो किसी भी तरह से आकर्षित हो, वो धीरे धीरे अपने ज्ञापन के रूप में हम उसको सीमित रखना चाहते हैं, लेकिन धीरे धीरे ये बात जंगल की आग की तरफ फैल रही है, जो नई फौज आ रही है वो आक्रामक हो रही है। हम चाहते हैं कि सरकार शांतिपूर्वक हमारी बातों को मान ले, तो ये स्थिति खराब नहीं है। निरंतर सरकार वर्तमान सरकार भारत का प्राप्त सुगोली संधि अच्छा पंडित सर अपना परिचय दीजिए। मिथिला के हमर नाम भेल रजीपाल झा, जिला दरभंगा, घनश्यामपुर ब्लॉक, बुढ़े विनायतपुर पंचायत। क्या कुछ कहना चाहेंगे आज आप लोग जंतर मंतर से पिछले कई सालों से आप मांग करते आ रहे हैं जंतर मंतर की मिथिला को राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमरा सबका लगातार 40-45 साल से मिथिला राज्य के लिए हम सब कोनो नया राज नहीं मांग रहा छी। हमर जे पुरना राज छला हां, जनक जी के राज छला हां, वो विदेह के राज छले हां, हम सब वह राज्य के डिमांड कर रहल छी इस सरकार से। और हमर गार्जियन स्वरूप ऐठा बैजू बाबू प्रोफेसर अमरेंद्र झा जी, शिशिर झा जी, ई सब लगातार आई 40 वर्ष से जंतर मंतर से आई गुंजी बहरी सरकार के जगा रहल छन, बार बार जे छै से पत्र के माध्यम से, एप्लीकेशन के माध्यम से, जंतर मंतर से कह रहल छन, लेकिन ई सरकार सुतल छथि। एहि दुआरे सरकार के बुझल छन जे जै दिन मिथिला राज्य पूर्ण रूप से बन जेतै तै दिन एहि देश के जे रोजगार छै, किया आई दिल्ली में मकान बन रहा है, आई मुंबई में मकान बन रहा है, बड़का बड़का बिल्डिंग बन रहा है, लेकिन वो मजदूर कत से आब रहा है मिथिला से? वो जो मजदूरी छे वो बंद भ जेते एक दुआरे ई सब लगातार जो छे से मिथिला राज्य के इग्नोर कर रहा है, और मिथिला राज्य पूर्ण तरह से नहीं बनो जा रहा है।